नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। शाम का वक्त है, आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके बाद शेयर करना न भूलें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं सियासत से, जहां आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कुंडा में भव्य स्वागत हुआ। आज किसान नौजवान पटेल यात्रा में शामिल होकर प्रयागराज से लौट रहे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का सपा जिलाध्यक्ष शिवनाथ यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ फूलमाला लाद कर भव्य स्वागत किया। इसके बाद सपा प्रदेश अध्यक्ष कुंडा चेयरमैन गुलशन यादव के वैष्णो कॉलोनी स्थित आवास पहुंचे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है। भाजपा ने पूरे 4.5 साल पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की योजनाओं को अपनी योजना बताकर उद्घाटन हुए कार्यों का पुनः उद्घाटन कर योजनाओं का नाम बदलकर जनता के साथ छलावा करने का काम किया है। समय आने पर जनता उसका करारा जवाब देगी। कुंडा में आगामी विधानसभा चुनाव में किसको मैदान में उतारेंगे, इस सवाल को टालते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। हाँ, इतना जरूर कहा कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी और यहाँ के 30 सालों के तिलिस्म को तोड़ने का काम करेगी। इस दौरान उन्होंने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से गठबंधन को अफवाह बताया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का कि हमने अभी तक 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें संविदा के कर्मी, जिसमें मनरेगा के मजदूर जोड़ करके ये आंकड़ा बताया जा रहा है, जबकि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात थी। उस हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है तो यहाँ कम से कम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देना चाहिए था, जिससे आज नौजवानों में बेहद निराशा है। और जैसे 1993 से लेकर के कुंडा पर राजा भैया का 30 मार्च तक कोई नहीं तोड़ पाया, तो कुंडा के लिए एक रणनीति, समाजवादी पार्टी तोड़ेगी किस तरह की, मतलब वो समय बताएगा, कैंडिडेट कैसा, वो समय बताएगा। अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, जनता में लोकप्रिय होगा, जनता जिसे पसंद करती होगी वही कैंडिडेट। चर्चाएं आम है कि जनसत्ता दल से भी कुछ बातचीत चल रही है गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी की, इस पर क्या सिर्फ अफवाह है। अगली खबर भी सियासत से है। प्रदेश सरकार के खिलाफ काफी दिनों से बगावती रुख अख्तियार करने वाले विश्वनाथगंज के अपना दल विधायक डॉक्टर आरके वर्मा ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे जाने पर एतराज जताया है। भाजपा के सहयोग से विधायक बनने वाले डॉक्टर वर्मा ने इसके साथ ही खुले मंच से प्रदेश सरकार और अपनी पार्टी पर भी तीखे प्रहार किए। उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए बाबा शब्द के संबोधन के साथ भाजपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त करने का आह्वान किया। रविवार को जेठवाड़ा के भोला का पूर्वा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती समारोह में विधायक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। पटेल के बारे में अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कैसे बना दिया गया। उन्होंने कहा कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को एक करते हुए अखंड भारत का निर्माण किया तो राष्ट्रपिता का दर्जा उन्हें दिया जाना चाहिए। मुझे महात्मा गांधी का किसी किताब में ऐसा योगदान नहीं मिला जो देश हित में हो या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्य की तुलना में बेहतर हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 665 रियासतों को एक करके जब एक भारत करने का काम किया था, एक भारत का निर्माण करने का काम किया था, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे हो गए ये मेरे समझ में नहीं आया। मैंने इतिहास के पन्नों को खोजा और पढ़ते पढ़ते थक गया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे बन गए। लेकिन आज मैं आह्वान करता हूं कि मेरी नजरों में जिसने एक भारत बनाने का काम किया, जिसने 565 रियासतों को एक करने का काम किया, राष्ट्रपिता वही हो सकता है, राष्ट्रपिता सरदार वल्लभ भाई पटेल बन सकते हैं। अगली खबर कुंडा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने कुंडा कस्बे के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास से ATM से धोखाधड़ी करके पैसे निकालने वाले 2 युवकों को 26 ATM के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़े गए युवक मानिकपुर थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव निवासी ब्रजेश सिंह उर्फ गुड्डू और अल्लोपुर बुखारी का अशोक उर्फ राजू सोनकर है। पकड़े गए दोनों युवक ATM के पास खड़े रहते थे और जब कोई पैसा निकालने आता था तो पीछे से कोट देख कर झांसा देकर ATM बदल देते थे। ये लोग ATM का क्लोन भी बना लेते थे और लोगों के खाते से पैसे उड़ा देते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आज जेल भेज दिया। अगली खबर नवाबगंज थाना क्षेत्र से है, जहां खेत जा रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर GRP पहुंची तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गुलरही बाग आलापुर निवासी 32 वर्षीय विनोद सरोज पुत्र माता दीन सरोज आज सुबह करीब 9 बजे खेत की रखवाली करने जा रहा था। जैसे ही वह परियावर रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचा, दिल्ली से आ रही ऊंचाहार दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। स्टेशन का मामला होने से घंटों बाद GRP मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रायबरेली भेजा। युवक की मौत को लेकर चर्चा रही कि वह ट्रेन देखते ही छलांग लगाकर उसने जान दे दी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।